हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम बैलेंस को कैलिब्रेट कैसे कर सकते हैं। तो फार्मा में बैलेंस की कैलिब्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर बैलेंस का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हो सकता है कि आगे जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर प्रॉपर डिस्पेंसिंग नहीं होगा या प्रॉपर वेट नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हमें इसका बैलेंस का कैलिब्रेशन करना चाहिए। वो हम मंथली भी कर सकते हैं या एज पर योर रिक्वायरमेंट हम उसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन आपको डेली करना है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस देखना है, बैलेंस हमारा किस जगह पर रखा हुआ है, और वो बैलेंस जिस जगह पर रखा हुआ है वो फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन होना चाहिए। मतलब टेबल पर अगर रखा हुआ है, या हम इसके लिए एंटी वाइब्रेशन टेबल यूज़ कर सकते हैं जिस पर हमें बैलेंस रखना है और वो फ्री फ्रॉम वाइब्रेशन हो। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस को प्लेस किया है जिसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, ऐसे टेबल पे। अब हम देखते हैं बैलेंस का लेबल। सबसे पहले हमें देखना है बैलेंस का लेबल प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर हमारे पास इस टाइप का अगर स्प्रिट लेबल है तो हम वो सरफेस पर रख के देख सकते हैं कि ये जो बबल है वो सेंटर में होना चाहिए। अदरवाइज अगर बैलेंस के अंदर अगर बबल है, यानी कि लेबल बबल जिसको हम बोलते हैं, लेबल बबल अगर है तो हम उससे इसका लेबल चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बैलेंस में अगर लेबल बबल नहीं है तो आप इसको यूज़ करें, स्प्रिट लेबल को। अदरवाइज अगर एयर बबल है तो हम एयर बबल चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एयर बबल दिखाता हूँ। ये एयर बबल देखिए, बस वैसे उठा के ले जा। तो चलिए, तो अब मेरे पास हमने लेबल चेक कर लिया। ये हमारे पास एक बैलेंस है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस, जिसका लीस्ट काउंट है 1 mg का, यानी कि 0.001 ग्राम, 1 mg वो उसका लिस्ट काउंट हो गया। कैलिब्रेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है एक वेट बॉक्स की, तो मैंने लिया है एक ई ग्रेड का वेट बॉक्स। अब ग्रेड चेक करने के लिए आप जा सकते हैं OIML की साइट पर, जिसका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। आप उसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको अलग अलग ग्रेड के वेट बॉक्स मिलेंगे जिसमें ग्रेड एफ है, ई है, तो बहुत सारे ग्रेड हैं। तो मेरे पास है अभी फिलहाल ई ग्रेड का। हम इसको देखते हैं ओपन करके इसके अंदर क्या क्या है। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे वेट्स हैं जो स्टैंडर्ड ई ग्रेड का है। तो इनको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले जो हमें पहनना है, सबसे पहले ग्लव्स। तो हम डालते हैं ग्लव्स ये बैलेंस को ऑपरेट करने के लिए, और वेट को हैंडल करने के लिए हमने डाले हैं ग्लव्स। अब हमें देखना है बैलेंस की क्लीनिंग, बैलेंस प्रॉपर क्लीन है कि नहीं, बैलेंस में कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। वो हमें एकदम प्रॉपर क्लीन कराना है, जो मैंने पहले से ही करा के रखा हुआ है। अब हमें बेसिकली हमें तीन चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहला आता है एक्यूरेसी और लीनियरिटी, दूसरा है रिपीटेबिलिटी जिसके अंदर हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, सेकेंड हो गया। तीसरा है एसेंट्रिक टेस्ट जिसको हम कॉर्नर लोड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्यूरेसी। हमारे पास एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए बैलेंस की कैपेसिटी कितनी है। बैलेंस की कैपेसिटी है यहाँ पे 200 ग्राम, और लिस्ट काउंट है इसका 1 mg। हम करेंगे जो इसका लिस्ट काउंट है इंटू 20 इंटू ई, जो लिस्ट काउंट है इसका है 1 mg, तो हो जाएगा 20 mg। तो मैं 20 mg का वेट पुट करूंगा और मैं उसके बाद देखूंगा ये कितना शो करता है। ट्वेंटी एम जी ये मैंने इसका पुट किया तो आया 19 mg। ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस की 10% कैपेसिटी, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, 200 ग्राम का 10% हो जाएगा 20 ग्राम। 200 ग्राम का 10% होगा 20 ग्राम। तो अब हम 20 ग्राम कर लेते हैं। टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। अगर मैं 0.1% करता हूँ तो देखिए 20 अगर मैंने रखा है तो 20 आ रहा है पूरा। 20 मतलब 20, यानी कि मेरा फुल एक्यूरेट है।
10% हो गया, उसके बाद मैं करूंगा इसका 30%, यानी कि 30% कितना होगा 60 ग्राम। तो मैं 60 ग्राम रखता हूँ, ये 50 10 ग्राम, ये देखिए मैंने 60 ग्राम रखा है तो आया 60.00, यानी कि मेरा 60 ग्राम भी पूरा है, 60 ग्राम एक्सेप्टेबल है। अब इसका चेक करेंगे 50%, 50% कितना होगा 100 ग्राम, यानी कि मैं 50 ग्राम चेक करता हूँ तो ये हो गया इसका 100 का वैल्यू, चेक कर सकते हैं 100 आ रहा है। अब करते हैं इसका 80%, यानी कि 160 ग्राम, 80% हो जाएगा 160, ये कितना हो गया 150 और 10 160, अभी देखिए 160.02029, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल है 160 का। अब आपको डिफरेंस आपने देख लिया 0.01 का, 0.01% का एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आप साइड में देख सकते हैं एक फॉर्मेट हमने दिखाया है इस तरीके से। आप पहले आपको क्लीनिंग चेक करनी है, लेवल चेक करना है, जीरो एरर चेक करना है, अगर कोई जीरो एरर है तो वो जीरो एरर भी आपको नहीं रखना है। मेरा बैलेंस यहाँ पर कोई भी जीरो एरर चेक किया, कोई भी एरर नहीं कर रहा है, यानी कि जीरो एरर मतलब कोई डिजिट तो चेंज नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है। ये साइड में देख सकते हो एक्यूरेसी और लिनियरिटी, तो हम ग्राफ भी इसमें कर सकते हैं। तो हमें ग्राफ करना है एक्चुअल वेट और डिस्प्ले वेट में जो भी आएगा वो हम उसका एक ग्राफ बना सकते हैं, और कोरिलेशन कोफिशिएंट होना चाहिए नॉट लेस देन 0.999। तो ये हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे। ये पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड टेस्ट है अनसर्टेनिटी और रिपीटेबिलिटी। अनसर्टेनिटी रिपीटेबिलिटी में क्या है, हम मैक्सिमम 30% से 10 टाइम्स वेट पुट करेंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर उसके बाद अनसर्टेनिटी निकालेंगे। वेट का 30% लेंगे, टोटल वेट, टोटल कैपेसिटी का 30%। टोटल कैपेसिटी बैलेंस की क्या है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का 30% कितना होगा 60 ग्राम। तो मैं 60 ग्राम से इसका वो करूँगा, ये मैंने रखा, ये रखा हमने 60, तो पहली रीडिंग में लिखूंगा 60.006। सेम मैं हटाऊंगा, जीरो करूंगा, फिर करूंगा 60.007, तीसरी रीडिंग 60.003, चौथी रीडिंग 60.001002, फिर 60.003 पांचवी रीडिंग, 60.0027, 8, 9, 10। ये मेरा 10 टाइम हो गया, 10 टाइम मेरे को कैलकुलेट करना है, उसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, S इज इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ये हम इस फॉर्मूले से हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं देखिए साइड में आपको दिखा देता हूँ 10 वैल्यू का। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा हो जाएगा सम, और x इंडिविजुअल स्कोर, m मीन ऑफ द ऑल स्कोर, n टोटल नंबर ऑफ सैंपल, और s इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें करना होगा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल वेट, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल वेट, इससे हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। अनसर्टेनिटी कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 0.001। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, अगर इससे अगर कम आता है तो हमारा बैलेंस रिपीटेबिलिटी में पास है। उसके बाद हमें देखना है असेंट्रिक टेस्ट। देखिए साइड में आपको दिखाया है, अगर राउंड है तो उसके चारों कॉर्नर 1, 2, 3, 4 और सेंटर, ट्राइंगल में है तो अपर लोअर दोनों कॉर्नर और सेंटर,
वो हो जाएगा। अगर स्क्वायर में है तो चारों कॉर्नर और एक सेंटर में, ये पांच वैल्यू हमें चेक करनी है। इसमें हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी 30% कैपेसिटी से करेंगे। पहले हम कॉर्नर में रखते हैं, कितना आया 60.004। फिर हम इसको साइड में कर देते हैं 60.005, इस कॉर्नर पे 60.009, और एक सेंटर में। इस तरीके से हमें इसका एसेंट्रिक टेस्ट भी निकालना है, जिसमें हमें क्या चेक करना है, C इज इक्वल टू एक्स माइनस सी, यानी कि जो आपका सेंटर से कितना डेविएट हो रहा है। तो देखिए हमने इसका सी चेक किया, सी सी वन सी टू सी थ्री सी फोर और चारों कॉर्नर और एक सेंटर में चेक कर लिया। अब हमें इससे हमें उसका सेंटर से कितना डेविएट है वो चेक करना है, और उसके थ्रू हम उसका टॉलरेंस देख सकते हैं। उसका टॉलरेंस होना चाहिए 0.1%, 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये हम सारे पैरामीटर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस फुली कैलिब्रेट होता है, किस तरीके से हमने कैलिब्रेट किया बैलेंस को। अगर ये वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो इट मीन्स वेल बैलेंस को हम आउट ऑफ कैलिब्रेशन करेंगे कि बैलेंस कैलिब्रेट नहीं है प्रॉपर, और हम नेक्स्ट कैलिब्रेशन के लिए उसको या फर्दर उसको मेंटेनेंस के लिए भी भेज सकते हैं। अगर प्रॉपर सही है तो हम इसको आगे वर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अब हमारा बैलेंस रेडी है, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।